हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। अब जो आपने इक्वेशन करी थी सॉल्व, उन्हीं इक्वेशन के ऊपर आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब आपको सब्जेक्टिव टाइप में फॉर्म दी हुई, यानी वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3, इफ द सम ऑफ द नंबर 143, फाइंड द नंबर। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए नंबर, देखिए 8:3 में नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका है रेशियो, ठीक है। ठीक, तो आपके जो नंबर होंगे ना, वो भी इसी के मल्टीपल में होंगे, ठीक है। पहला नंबर 8 का मल्टीपल होगा, दूसरा नंबर 3 का मल्टीपल होगा, तो इसी के मल्टीपल में मान लेते हैं। लेट द नंबर्स इज एट एक्स एंड 3x। अब x तो हमको पता नहीं है, x हमको पता पड़ जाएगा तो हमको नंबर ही पता पड़ जाएंगे, लेकिन आपसे ये कह रहा है कि सम ऑफ ये नंबर, यानी सम इनका आप करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है 143। तो देखिए ये 8 और 3 कितना हो गया आपका 11x, ये आपका 143, तो 11 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 11 कितनी टाइम्स, 11 बन जाए 11, 11 3 जा, तो x आ गया आपका 13। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर होगा आपका 8x, तो यानी x की जगह 13, और ये आएगा आपका 3 × 13, तो ये कितना हो गया आपका 80, तो 104 हो गया, और ये हो गया आपका 13। अब इन दोनों का आप सम करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 143 मिलेगा, ये आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हूज सम इज 147। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, जो कि 2 का मल्टीपल नहीं होते। तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए 2 के मल्टीपल, ठीक है, मान लीजिए एक नंबर 2 का मल्टीपल है, तो यानी कि ये क्या है, इवन नंबर। अब आपको पता है कि ऑड इवन का क्या चक्कर रहता है कि एक के बाद एक आते हैं, यानी पहले ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन, तो ये तो इवन है। इसके बाद अगर मैं प्लस वन करूंगा तो वो कौन सा होगा, ऑड, तो ये नंबर हो गया ऑड। अब इसके बाद एक और प्लस वन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x+2 क्या हो जाएगा, ऑड, लेकिन 2x+3 क्या हो जाएगा, सॉरी 2x+2 ऑड इवन हो जाएगा, और 2x+3 क्या हो जाएगा, इवन, ऑड ऑड। अब यहाँ पर 2x+4 करेंगे तो ऑड इवन आएगा, और 2x+5 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ऑड आ जाएगा। तो ये आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। देख लीजिए एक छोड़ के आ रहे हैं, देखिए एक आया फिर एक के बाद 2, तो इवन नंबर होगा, वो नहीं लिया हमने, फिर तीसरा ले लिया, तीसरे के बाद चौथा आपका क्या होगा, इवन नंबर, वो नहीं लिया, पाँचवा ले लिया। अब इन सब का क्या आ रहा है, सम कितना है इन सब का, तो सम आपका है, इन सबको ऐड कर देंगे तो 147। तो ये देखिए 2x कितना हो गया 6x, 134 + 9 = 147, तो 6x = कितना आ जाएगा, 147 माइनस 9 हो जाएगा, ये बनेगा बचेगा आपका 138, 6x, तो x = 138/6, कैंसिल करेंगे तो 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = तो x = क्या आया, 23। तो आपके नंबर क्या होंगे, देखिए पहला नंबर है आपका 2x+1, यानी कि 2x की जगह 23+1, यानी कि ये हो गया आपका 46, यानी 47। अगला है आपका 2x+3, तो 46+3 कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। फिर आएगा 2x+5, यानी 46+5, यानी कि 51। ये आपका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो गया, इन सबको ऐड करेंगे आप तो देखिए आपको 147 मिल जाएगा। करके देख लेते हैं, 10 और 7 7 कैरी 1, देखिए ये कितना हो गया, ये दोनों 5 और 5 4 और 1 147, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7th क्लास का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है सुमित्रा हैज 34 रुपीज़ इन 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन, यानी सुमित्रा के पास 34 रुपीज़ हैं, और जिसमें से जो रुपीज़ हैं वो किस टाइप से हैं, कि उसमें 50 पैसे के कॉइन हैं, यानी 50 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये का नहीं है क्योंकि बोला नहीं है।
इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव। यानी कि बोल रहा है कि जो 25 पैसे के कॉइन्स हैं वो टू टाइम्स हैं 50 पैसे के कॉइन्स के। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो आपके पास 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे उसके पास। तो देखिए, आप ये मान सकते हैं कि अगर लेट 50 पैसे कॉइन्स आर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आर एक्स, तो आप ये बताइए नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे। 2x हो जाएंगे भाई, 2 टाइम्स है ना 25 पैसे के कॉइन। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक। अब देखिए, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है लेकिन आपको तो इसके इक्विवेलेंट रखने हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपके पास अगर 50 पैसे के 2 कॉइन्स हैं तो ये कितने रुपीस के इक्वल होंगे। ये 1 रुपीस के इक्वल होते हैं क्योंकि हमको एक्चुअली रुपीस के इक्वल ही लेके आना है। तो 2 कॉइन्स, 2 50 पैसे कॉइन्स, यहाँ लिख सकते हैं आप 2 50 ऐसे लिख लीजिए 2 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 1 रुपीस। यानी 2 50 पैसे के कॉइन्स मिलकर 1 रुपीस बना रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि जितने आपके कॉइन्स हैं 50 पैसे के उसके हाफ रुपीस होंगे। ये तो मतलब है, एक अगर है तो उसका 50 पैसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 50 पैसे के कॉइन कितने हैं x, तो रुपीस कितने होंगे x बाई 2 रुपीस। ठीक है, और इसी टाइप से 25 पैसे के कितने होंगे 2x बाई 4 रुपीस, और ये आपका आ गया 34 के इक्वल। ठीक है, ठीक है, तो ये रुपीस में चेंज हो गए आपके कॉइन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 34। तो x बाई 2 कितना हो गया 2x बाई 2 इक्वल टू 34, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना है 34। यानी x इज इक्वल टू क्या है, x क्या था 50 पैसे कॉइन, ये क्या है 50 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 34, और 25 पैसे कॉइन्स कितने होंगे भाई, इसका 2 टाइम्स इक्वल टू 2x, यानी कि 2 इंटू 34 यानी कि 68। बस यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि जब आपके पास जितने 50 पैसे के यानी 50 पैसे के कॉइन हैं उसके हाफ होंगे 1 रुपीज़। जैसे कि आप अगर 2 50 पैसे के कॉइन्स लेते हैं तो 1 रुपया बनता है, 4 50 पैसे के कॉइन्स लगते हैं तो 2 रुपये बनते हैं। तो आप देख रहे हैं जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उसके आधे रुपीज़ में आ रहे हैं, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आधा कर दिया। और अगर 25 पैसे के कॉइन्स लेंगे तो आप देखेंगे 25 पैसे के अगर 4 कॉइन्स लेंगे आप, तब आपका 1 रुपया बनेगा, यानी कि 25 पैसे के 4 कॉइन्स आपके 1 रुपीस के इक्वल हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्लास का। टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 55 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला है दो साइड इक्वल है। ठीक है ना, तो आप ये मान लीजिए लेट द थर्ड साइड इज एक्स मीटर। ठीक है, तो आप ये बताइए जो बाकी की बची हुई टू साइड्स होंगी वो क्या होंगी भाई, इसके 2 टाइम्स से 5 प्लस। ठीक है, इसके 2 टाइम्स से 5 प्लस, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं आपकी। ठीक है, अब पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है 55, और सम ऑफ ऑल साइड आप निकाल सकते हैं x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस के 10, और यहाँ पर 55, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 55, यहाँ से 5 कॉमन है, देखिए 5 आ गया, तो x माइनस 5 बचेगा, 5 को उधर डिवाइड में ले आएंगे तो 5 इक्वल टू x माइनस 5, तो
तो यहाँ बचेगा 11, कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स x माइनस 5। अब देखिए इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 11, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 माइनस प्लस 5 यानी x इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, अगर एक 16 मीटर है तो दूसरी क्या होगी, 2x माइनस 5 यानी 16 टू जा 32 माइनस 5 यानी कि 27 मीटर, और दूसरी भी क्या होगी 27 मीटर। तो ये आपकी साइड आ जाएंगी 16, 27 और 27 मीटर। ठीक है, एक सेकंड, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जब इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ पर आएगा 11 प्लस 2 यानी कि ये x इज इक्वल टू 13 आएगा। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 13 आ गया, तो ये चेंज हो जाएंगी, 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, 13 टू 26 माइनस के 5 यानी कि 21। तो एक 21 और 13, ये आपकी तीन साइड आएंगी जो आपसे पूछेंगे, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 33 सेवन्थ क्लास में, इसमें कह रहा है ए लेबरर इज एंगेज्ड फॉर 20 डेज ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव 120 रुपीज फॉर ईच डे ही वर्क्स एंड विल बी फाइंड 10 रुपीज ईच डे ही इज एब्सेंट। इफ ही रिसीव्स 1880 रुपीज इन ऑल फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट। ठीक है ना, चलिए इसमें आपसे बोला, देखिए 20 दिन तक काम करता है और वो रिसीव कितने करता है, पर डे 120 रुपीस। ठीक है, चलिए तो पहले यहाँ पर, और यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, लेट, वैसे बिना एक्स मान के भी हो जाएगा, द डेज ही रिमेन एब्सेंट। ठीक है, x डेज एब्सेंट कर लेता है वो, ये मान लिया आपने। ठीक है ना, देखिए 20 डेज का उस पर कॉन्ट्रैक्ट है और एक दिन में वो 120 रुपीस क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, अच्छा अगर 20 डेज यहाँ पर लिख सकते हैं हम, वन डे ही विल रिसीव 120 रुपीस, तो 20 डेज तक उसने अगर काम किया तो कितना रिसीव कर लेगा वो, तो 120 इंटू 20 तो कितना आ गया, ये 2400। लेकिन क्या उतने इतने रिसीव किए, लेकिन इसने इतने रिसीव किए, बट ही विल रिसीव 188 रुपीस। तो हाँ, तो टोटल फाइंड मनी क्या होगी भाई, इतना मिल रहा था और इतना उसको मिला, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये फाइन के कारण ही तो मिलेगा, क्योंकि एक दिन का उसको कुछ दिन एब्सेंट भी रहा होगा वो, ये आपको 10 रुपीज़ इसमें जो है इसमें कट हो रहे हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 13 में से 8 जाएगा तो 5, इतना ही बचेगा। ठीक है, यानी 520 रुपीज़ क्या हो गए उसके, कट हो गए। क्यों कट हो गए, क्योंकि उसको जो है एक दिन का पैसा कट हो रहा था, यानी 10 रुपये पर डे उसके कट हो रहे थे। ठीक है ना, तो आप ये बता दीजिए, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये क्वेश्चन हमको लीनियर इक्वेशन बना के करना चाहिए था, हमने विदाउट लीनियर इक्वेशन कर दिया, तो अभी ये गलत है। ठीक है ना, हम लीनियर इक्वेशन बना के ही सॉल्व करें। देखिए मैंने ये माना है कि एब्सेंट डेज उसके कितने हैं, एक्स डेज, मान ले उसने काम नहीं किया, और तो फिर इसके वर्किंग डेज कितने होंगे, वर्किंग डेज यानी कि प्रेजेंट डेज इसको बोल सकते हैं हम, ये कितने होंगे, 20 माइनस एक्स, इतने डेज उसने काम किया है। ठीक है, तो इतने डेज काम किया है पर इतना मिलता है उसको, तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे उसको, 120 इंटू 20 माइनस एक्स,
इतने रुपए इसको मिलेंगे, ठीक है। और प्लस एबसेंट कितने हो गए भाई, एबसेंट हो गए आपके 10x, और ये किसके इक्वल होने चाहिए आपके, या माइनस करते हैं, माइनस किसकी इक्वल होनी चाहिए, 1880 के इक्वल होनी चाहिए। क्यों, देखिए ये तो भाई इतना उसको पैसा मिल रहा था, ये नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसने एबसेंट किया, तो ये तो माइनस होगा, और टोटल मिला का कितना मिला, वो इसके इक्वल आ गया। तो ये हो गया आपका 00-120x-10x=1880, ये हो जाएगा माइनस का 130x इज इक्वल टू, देखिए इसमें से करेंगे तो माइनस का 140, ये भी आया था वही आएगा, माइनस का 152। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1520 और 130, 0 से 0 कैंसिल, 4, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, यानी 4 दिन वो क्या रहा एब्सेंट, यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए एक इसमें आपका एक एज वाला क्वेश्चन और रह गया, वो मैं आपको करा दूंगा जब नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।